हे गाइज आई एम ज्ञान रंजन आई कंडक्टिंग प्योर मैथमेटिक्स आई होप यू विल एन्जॉइंग एंड लर्निंग माई डेली प्योर मैथमेटिक्स वीडियो आई एम रियली सॉरी फॉर दो या तीन दिनों से आपके लिए कोई टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था इसलिए वेरी वेरी सॉरी ओके आज का टॉपिक है डेसिमल इसको हिंदी में बोलते हैं यानी हिंदी में इसका होता है दशमलव हम क्या पढ़ रहे हैं इट्स अ हैश टैग प्योर मैथमेटिक्स बाय ज्ञान रंजन यानी डेसिमल दशमलव का मार्क को स्वाण्यतः कैलकुलेशन में यानी एड सब्जेक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में पॉइंट के रूप में बोला जाता है डेसिमल यानी उसका मार्क को सामान्यतः पॉइंट बोला जाता है ओके हम डेसिमल भी बोल सकते हैं पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें करना है पार्ट आ, पार्ट वन में एड डेसिमल एंड ऑफ डेसिमल इसमें हम दो टर्म या तीन टर्म चार टर्म कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे हम दो टर्म को लेके ऐड कर रहे हैं यहाँ क्या है सिक्स पॉइंट जीरो ज़ीरो सेवन प्लस पॉइंट सेवन नाइन ओके okay. हमें एक चीज जानना है जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है या अंक होता है उसको हम एक एक करके बोला जाता है ओके okay. ये क्या है पॉइंट सेवन नाइन न कि पॉइंट सेवेंटी नाइन ओके यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एड में क्या होता है सेकेंड फर्स्ट से उतना लेना देना नहीं होता है फर्स्ट पहले या सेकेंड बाद में रख सकते हैं या सेकेंड पहले फर्स्ट बाद में कि सब्जेक्ट में क्या होता है और फर्स्ट में से ही सब्जेक्ट को सेकेंड को माइनस करेंगे सिक्स माइनस जीरो जीरो सेवन प्लस पॉइंट सेवन नाइन ज़ीरो न यहाँ क्या होता है देखिए पॉइंट का दो अंक है या पॉइंट का तीन अंक है इसलिए यहाँ पर जीरो डाल दिए ओके पॉइंट के बाद अंक को हम एक एक करके बोलेंगे यानी सिक्स पॉइंट जीरो ज़ीरो सेवन यहाँ है पॉइंट सेवन नाइन ज़ीरो ओके सेवेन नाइन ज़ीरो एट करके सिक्स ज़ीरो सिक्स इसी तरह से यहाँ क्या है बिना मे सेवनटीन प्लस नाइन पॉइंट जीरो जीरो फोर सेवन इसको ऐड करना है सेवेंटीन को हम कैसे क्या लिख सकते हैं सेवेंटीन पॉइंट जीरो 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 यानी सत्रह या सत्रह दशमलव ट्रह जीरो दोनों सेम यानी कोई भी अंक को ऐड या सब्जेक्ट करने के वक्त हम क्या करते हैं अंक के राइट साइड में हम पॉइंट लगाते हैं ना कि लेफ्ट साइड में यानी सत्रह यानी कोई भी अंक के हम राइट साइड में यानी दाई ओर हम पॉइंट लगाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए ओके यहाँ क्या है नाइन पॉइंट डबल जीरो फोर सेवन यानी फोर अंक है पॉइंट के बाद इसलिए फोर जीरो पर दे देते हैं ओके उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं जैसे हम जनरली ऐड करते हैं उसी तरह और क्या करते हैं पॉइंट को फेस टू फेस रखते हैं ना फ़ेस टू फेस यानी आमने सामने ओके लिखना है सब्जेक्ट ऑफ डेसिमल यानी दशमलव तो का घटा इसे बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल टू पॉइंट सेवेंटी सिक्स नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे टू पॉइंट सेवन सिक्स माइनस वन पॉइंट नाइन नाइन जीरो ओके टू पॉइंट सेवन सिक्स जीरो क्या करते हैं सबसे पहले पॉइंट दोनों पॉइंट को आमने सामने यानी फेस टू फेस रखते हैं जिससे क्या होता है हमें पता चलता है कि किस अंक को कहां पर रखना है ओके तो ये हो गया टू पॉइंट सेवन सिक्स नीचे वन पॉइंट डबल नाइन जीरो यानी तीन अंक है इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर एक जीरो डाल देते हैं ओके एडमी में हमने भी डाल देते काम चल जाता है इसमें क्या करना होगा सब्जेक्ट में आप जीरो डालना होगा जी जीरो वहाँ पर नहीं है यहाँ अंक जो सेम नहीं हो रहा है क्या होगा जीरो माइनस जीरो इक्वल टू तो जीरो सिक्स में से नाइन नहीं घट रहा है इसे क्या करेंगे उधर से हेल्प मांगता है सिक्सटीन माइनस नाइन इक्वल टू तो सेवन सिक्स में से नौ नहीं घटेगा इसलिए क्या होगा सिक्सटीन माइनस नाइन इक्वल टू सेवन वन माइनस वन इक्वल टू जीरो पहले कुछ समय पहले आपको हमने बताया फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को ही घटा सकते हैं ओके एड में क्या होता है आप इसको बाद में रखिए या इसको बाद में रखिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन क्या होता है सब्ट्रैक्शन में या सब्ट ऑब डेसिमल में ओके यानी कोई भी सबट्रैक्शन में फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म में रखेंगे सेकेंड को सेकेंड में यानी फर्स्ट से सेकेंड में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओके गाइस नहीं तो मेरा रिजल्ट रॉन्ग हो सकता है हो जाता है इसी तरह हम इसका भी सोलूशन कर लेंगे इसी तरह इसका भी सोलूसन कर लेंगे ओके हमें एक चीज़ ध्यान रखना है पॉइंट के बाद हम अंक को ना एक ही करके बोलते हैं क्योंकि हमें पता है जीरो से लेकर नौ तक को अंक बोलते हैं अंक कहते हैं दस से लेकर कर ग्यारह बारह तेरह चौदह ऐसे करके टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इन्फिनीटी तक को नंबर बोलते हैं ओके इसको कैसे बोलेंगे पॉइंट या जीरो पॉइंट सेवन जीरो नाइन सिक्स वन ना इसको बोल सकते हैं नाइन्टी फोर पॉइंट जीरो ज़ीरो या नाइन्टी फोर नोट सिक्स को हम लिख सकते हैं सिक्स इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो जीरो ऐसे करके या कुछ भी रहे यहाँ पे रहे एक, एक सौ रहे या कुछ भी रहे वन हंड्रेड रहे यहाँ पे क्या बोलेंगे वन हंड्रेड इक्वल टू वन हंड्रेड पॉइंट जीरो 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 ऐसे पॉइंट जीरो सेवन इज नॉट इक्वल टू पॉइंट सेवन यानी पॉइंट जीरो सेवन है क्या है पॉइंट जीरो सेवन ये पॉइंट सेवन इसका मतलब क्या है पॉइंट के बाद हम कुछ भी एक दो जीरो रख सकते हैं इसका मतलब क्या है पॉइंट जीरो सेवन इज नॉट इक्वल टू पॉइंट सेवन ओके पॉइंट फोर या जीरो पॉइंट फोर इक्वल टू पॉइंट फोर जीरो दोनों इक्वल है टू पॉइंट फोर फाइव इसको कैसे बोलेंगे टू पॉइंट फोर फाइव न एक एक करके टू पॉइंट फोर फाइव कैलकुलेशन के दौरान पॉइंट को फेस टू फेस रखा जाता है दो डेसिमल का बेसिक चीज़ों में आता है यानी कैलकुलेशन के दौरान पॉइंट को फेस टू फेस यानी आमने सामने रख के कैलकुलेशन की प्रोसेस को हम लोग पूरा करते हैं बाय प्योर मैथमेटिक्स थैंक्स